राहुल इस वक्त मौजूद है बलिया टाउन एसेंबली 249 में। अपना इलेक्शन कैंपेन जारी है और इस वक्त मौजूद है मुस्लिम लीग का मंत्री इलेक्शन ऑफिस है और यहाँ देख सकते हैं कि सारे बैठे हैं जो आला गौर की। सर ये आप ये बताएं कि यहाँ जो बलिया टाउन है एन एसेंबली 249 में इसमें मुस्लिम बिरादरी जो है उसका कितना आप वोट देंगे, कितना उसका वो आपसे ये इस वक्त हम अपने मेरा नाम है सालीन तनोली और ज़िला कैमारी का प्रेसिडेंट हूँ और PS 116 से मैं मियाँ शहबाज शरीफ के साथ इलेक्शन लड़ा हूँ। यहाँ से बात यह है कि यहाँ पे मसीह बरादरी के वोट जो हैं वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार हैं हमारे इस हलके में और अगर ये जिस तरह वोट भी देते हैं और पहले इन्होंने हमेशा चूँकि ये एक अच्छे लोग हैं इन्होंने कभी भी पहले जब MQM का दौर था तो उनको देते थे MQM जीत जाती थी लेकिन अब वो बहुत खुले दिल से मुस्लिम लीग को पसंद करते हैं और मुस्लिम लीग को वोट देते हैं और ये सारे तकरीबन 60% लोग जो है ना मुस्लिम लीग को पसंद करते हैं और इनके यहाँ जज बने हैं जहाँ हम जाते रहते हैं और अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारे सेनेटर कामरान माइकल साहब ने हमारे दोस्त दीन मोहम्मद लगारी इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया वहाँ पर और वो प्रोग्राम जो है बड़ा कामयाब था, लेडीज़ भी उसमें थी जेंट्स भी थे तो ये इनका किरदार है उनका वोट के हिसाब से। अगर ये वोट देते हैं जिस भी हमारे मिफ्ता साहब चूँकि इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ 249 से और हमारे वो सबका वज़ीर ख़जाना है उन्होंने अपने दौर में अच्छा काम किया, मियाँ नवाज शरीफ का सपाई है और उसको जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एक दुल्हे लीडर हैं, वो घबराने वाले नहीं। हालांकि मैं एक बात कहूँ, मैं हमारे वहाँ इंडस्ट्री का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ तो हमारे इंडस्ट्री में एक मेहमान ऐसा है कि बहुत दुलेर मेहमान है और मैंने वो दूसरा मेहमान ये देखा है मिफ्ता इस्माइल साहब को कि एक दुलेर मेहमान है, हालांकि इसको धमकियाँ भी लगी सब कुछ हुआ लेकिन इसने मियाँ नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा तो इंशाल्लाह ये हल्का ऐसा है कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब यहाँ से कामयाब होंगे और 249 इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल से हमारी पार्टी यहाँ कामयाब होगी और मिफ्ता साहब हमारे MNA होंगे। ये अल्लाह के फज़ल से बहुत अच्छा जा रहे हैं हमारी कंपेन हर जगह, इस वक्त शहर ही शहर है, बाकी सब जो है ना वो उनका कोई इतना वैल्यू नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी जो बिरादरी है वो भी सपोर्ट करती है नून को, आप लोग जो से आते हैं यहाँ पर मदद करते हैं, हमारी कामरान माइकल साहब आते हैं कराची आते हैं तो मुस्लिम लीग के लिए आवाज़ उठाते हैं तो इसी तरह आपकी बिरादरी भरपूर तरीके से वोट देती है। मुझे भी चूँकि मेरे हलके में भी 3-4 जो हैं आपकी पॉकेट हैं इनके आपकी बिरादरी के तो उन्होंने मुस्लिम लीग को ही वोट दिया था तो वो अलग ही होते थे, मैं भी कामयाब हुआ था और बाद में जो सुबह के टाइम मुझे हरा दिया। तो मैं यही कहूँगा कि आपसे आपके मीडिया के तौर से आप लोगों के सोशल मीडिया के तौर से ये कहूँगा कि आप भरपूर आवाज़ उठाएँ और मिफ्ता साहब को उसके लिए आवाज़ उठाएँ, मिफ्ता साहब यहाँ से कामयाब हो तो ये इसकी कामयाबी, ये सीट को आम सीट नहीं है, ये सीट पूरे पाकिस्तान के लोग इस सीट पे नज़र रखी हुई है, जैसे डिस्का की सीट है वहाँ पे और ये 2 सीटें ऐसी हैं क्योंकि इस पर पूरे पाकिस्तान की नज़र है। तो इंशाल्लाह हम पर उम्मीद हैं कि हमारे मिर्जा साहब यहाँ से कामयाब होंगे और इंशाल्लाह ये सीट निकलेगी अल्लाह के हुक्म से। हालाँकि ये रमज़ान का महीना है और 29 तारीख को रोज़े भी हो गए लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग जो हैं भरपूर तरीके से वोट डालेंगे इंशाल्लाह, कास्ट करेंगे तो मिफ्ता साहब कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ये देखो ये तो अभी वक्त आएगा तो बताएंगे कि कहाँ, लेकिन ये है कि हमारी सीट इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि ये निकलेगी और डिस्का की सीट जो है वो भी अल्लाह के वजह से कामयाब होगी और वो भी हमारी वहाँ जो नूरिन बीवी जो खड़ी है वहाँ से इंशाल्लाह वो भी कामयाब होगी अल्लाह के हुक्म से। थैंक यू जी। अच्छा मैं एक बात आपसे कहूँगा कि हमारे जो करामत चौहान साहब हैं कराची के सिंध के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनके साथ आसो भाई बैठे हुए हैं और इन लोगों ने भी पार्टी का नाम बुलंद किया, जगह जगह प्रोग्राम कर रही है और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। उस दिन जो जलसा हुआ था वहाँ पर तो कामरान माइकल साहब के साथ इनका भरपूर किरदार था और इन्होंने हमेशा पार्टी के लिए इन्होंने आवाज़ बुलंद की है, ख़ासतौर पर करामत चौहान भाई और असद भाई ये तो लगे रहते हैं हर टाइम पार्टी के साथ चलना और लोगों के साथ। अभी मिस्टर साहब की कैंपेन में इन्होंने भी रोज़ाना सुबह शाम आते हैं और अपनी बिरादरी के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई मिफ्ता साहब को
कामयाब करें। ममता साहब की कामयाबी हमारे पाकिस्तान की कामयाबी है, मुस्लिम लीग की कामयाबी और हमारे मुल्क की कामयाबी है। कम से कम इमरान खान नियाज़ी इंशाअल्लाह उससे हमारी जान छूटेगी और वो एक शेख चली है। वज़ीर आज़म तो उसको मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि वो जीत के तो आया नहीं है, सेलेक्टेड किया गया। तो वो बंदा ऐसा है कि उसको पता ही नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ। एक आदमी सच होता है ना, वो उसको याद होता है ना मैंने कल क्या बात बोली। सच कभी झूठ नहीं होता, छुपता नहीं है। वो झूठ बोलता है तो उसको पता ही नहीं मैंने कल क्या कहा, क्योंकि उसका वो चरस पीता है, अफीम पीता है और उसका ऊपर वाला चैम्बर जो है वो खाली है। वो उसने आते साथ ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दी। तो मैं आप सब की बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब आप बात करें।